आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरबा पंचायत अंतर्गत नया टोला गांव में कल शाम से गायब बच्चे की लाश मिली। मृतक की पहचान शुभम कुमार उर्फ राजा उम्र 12 वर्ष पिता रंजीत सिंह के रूप में की गई है। मृतक तक्षशिला इंटरनेशनल विद्यालय रानी का छात्र था। लाश तालाब में मिलने से अगल बगल के गांव में भी सनसनी फैल गई। मृतक की माता संगीता देवी, बहन जोशी कुमारी, दादा दादी सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक को दो बहन तथा भाई में वो अकेला था। सूचना मिलते ही बछवाड़ा पुलिस ने शव के पास पहुंची। शव के नाक और आंख में से ब्लड निकल रहा था। घटनास्थल पर डीएसपी ओम प्रकाश, थाना अध्यक्ष यशोदा नंद पांडे ने शव पहुंचे, परिवार वालों को दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय पहुंचे हैं तथा बच्चे का निर्मम हत्या हुआ है। प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करे उसकी मांग की है। मौके पर राजद प्रदेश युवा महासचिव कुमार रूपेश यादव, राजद जिला सचिव अरुण यादव, पूर्व जिला परिषद रमोद कुमार, मुखिया फुल कुमारी देवी सहित एसआई अरुण कुमार, सेना शशिभूषण सिंह आदि ने परिवार को समझा बुझा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। राक्षस ने किया है। 11 से 12 साल के बच्चे की हत्या हुई है। उस परिवार के बच्चे की हत्या हुई है जो कूट लाओ और पीस खाओ वाला लोग है। रोज मजदूरी करता है, रोज खाता है। उसके बच्चे की हत्या, न तो उससे किसी को पैसे का अर्जन हो सकता है, न कोई बच्चे ने किसी को कुछ बिगाड़ा होगा। उसकी जघन हत्या जिस तरीके से किया है, आंख पर वार किया है, कान पर वार किया है, और कहां कहां वार किया है वो तो पोस्टमार्टम में आएगा। ऐसे जल्लाद को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो बहुत कम होगा। हम लोग आज इसकी छानबीन करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा, एफआईआर होगा, और हम प्रशासन से मांग करेंगे ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा दिलवानी चाहिए जिसमें भविष्य में आम लोग इससे सीख सके। उसके अलावे जो आगे की कार्रवाई होगी सो हम लोग देखेंगे। प्रशासन अगर ढीला ढाला करेगी तो हम लोग भी बैठेंगे नहीं, संघर्ष के लिए ऐसे जुल्मी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।